आज हम बात करेंगे वीर्य कैसे बनता है इसके बारे में। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळेकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। वीर्य एक फ्लूइड है जो बॉडी में पैदा होता है और वो पुरुषत्व का निशाना है। हर आदमी वीर्य के लिए बहुत ही पजेसिव है। वीर्य धातु, धातु नष्ट नहीं होना चाहिए, धातु गया तो कमजोरी आती है, धातु प्रिजर्व करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। किसी का धातु गिरता ही नहीं है तो मेजॉरिटी लोगों का धातु जल्दी गिर जाता है। ऐसे काफ़ी सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। तो ये धातु बनता कैसा है? धातु जो है वो उसमें दो मेन पार्ट होते हैं। एक पार्ट है स्पर्म्स मतलब शुक्राणु पुरुष बीज, और दूसरा जो है वो फ्लूइड। तो ये जो शुक्राणु जो है वो लिंग के नीचे जो दो गोले लपकते हुए रहते हैं उसको स्क्रोटल सैक बोलते हैं। स्क्रोटल सैक में दो टेस्टिकल रहते हैं, एक बाया टेस्टिकल एक दहना टेस्टिकल, और वो टेस्टिकल को ऐसा यू शेप्ड ऐसा कवरेज एपिडाइडामिस करके एक पार्ट रहता है, ऐसा कवर किया रहता है, और वो एपिडाइडामिस में वो स्पर्म्स स्टोर होते हैं। मतलब टेस्टिकल में तैयार होते हैं, एपिडाइडामिस में वो स्टोर होते हैं। पूरे स्पर्म को शुक्राणु को मैच्योर होने के लिए, परिपक्व होने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 74 दिन लगते हैं, 74 डेज। तो जब सेक्स करता है कोई व्यक्ति तो सेक्स करने के समय जब इजैकुलेशन बाहर होता है मतलब वीर्य स्खलन बाहर हो जाता है, तो वीर्य स्खलन के समय वो जो शुक्राणु जमा रहते हैं एपिडाइडेमिस में जो कवरिंग पार्ट है टेस्टिकल का, वहाँ से वो निकलते हैं, वहाँ से उनकी यात्रा शुरू हो जाती है। और वो यात्रा शुरू होकर एक नली के द्वारा जिसको वास डिफरेंस बोलते हैं, वो नली के द्वारा वो ऐसा चक्कर मार के पेट में चक्कर काट के एक छोटे थैली में आते हैं, उसको बोलते हैं सेमिनल वेसिकल। और सेमिनल वेसिकल से वो जाते हैं एक दूसरे नली से पेशाब की नली में, और पेशाब की नली में जाके दोनों नलियां मतलब पेशाब की नली और सेमिनल वेसिकल की नली दोनों नलियां मिल जाती है, और वहाँ से फिर एक नली तैयार हो जाती है जहाँ से पेशाब भी होती है, जहाँ से वीर्य भी आता है। अब ये जो है धातु ये एक समय कितना भी रहता है, मतलब 1 ml से लेके 3-3.5 ml तक हर समय धातु तैयार होते रहता है, और वो कितने भी बार तैयार होते रहता है, ऐसा नहीं कि भाई उसका स्टॉक है। धातु में क्या क्या है? धातु में शुक्राणु है पुरुष बीज, और वो करीब करीब वीर्य में या धातु में शुक्राणु जो रहते हैं वो 60 से 120 मिलियन तक रहते हैं, 60 million to 120 million, मतलब 6 से 12 करोड़, 1.5 करोड़ जो है 1.5 करोड़। सो 1.5 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए। 1.5 करोड़ से कम है तो फिर बच्चा होने को प्रॉब्लम आ सकता है, कम से कम 1.5 करोड़ तो भी होना चाहिए। अप्रॉक्सीमेटली 6 करोड़ से 12 करोड़ रहते हैं 1 ml में। तो फिर धातु में रहता क्या है? धातु में 10% जो है 10% फ्लूइड मतलब धातु का पूरा जो पार्ट है उसका 10% जो है वो आता है वास डिफरेंस से, वास डिफरेंस से सिक्रीशन से आता है। 60% जो आता है वो आता है सेमिनल वेसिकल के सिक्रीशन से, और 30% जो है वो आता है प्रोस्टेट ग्लैंड्स और कॉपस ग्लैंड्स के सिक्रीशन से। मतलब 10% वास डिफरेंस, 60% सेमिनल वेसिकल, 30% प्रोस्टेट, ऐसा फ्लूइड बनता है और उसमें शुक्राणु रहते हैं। तो 3.5 ml तक ज़्यादा से ज़्यादा एक समय वो निकलता है धातु। धातु बनता कैसे है? तो उसके लिए हार्मोन्स की ज़रूरत है बॉडी में, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजेन, ग्रोथ हार्मोन, सभी हार्मोन्स की ज़रूरत है तभी वो धातु पैदा होगा। और धातु पैदा होगा तो सिर्फ धातु होने का कोई फायदा नहीं है, धातु में शुक्राणु होना जरूरी है। शुक्राणु नहीं रहेंगे तो बच्चा होगा नहीं। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं कि बहुत बार दिन में सेक्स कर सकते हैं, इरेक्शन आता है, सेक्स करते हैं, सेक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब शुक्राणु नहीं है तो फिर बच्चा होता नहीं। और कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इरेक्शन का, बहुत ज़्यादा जल्दी गिर जाता है, कभी कभी 1-2 बार ही कर लेते हैं सेक्स, बड़े मुश्किल से उनको 2-2, 4-4 बच्चे रहते हैं। तो उसका संबंध नहीं कि आप कितने बार करते हो सेक्स और बच्चे कितने होंगे, एक बार भी किया तो भी बच्चा हो सकता है एक ही बार में। अब बच्चा जो होता है कब होता है कि 10वें दिन से 17वें दिन तक, ये जो पीरियड है 10th day to 17th day, मतलब MC चालू हो गई वो पहला दिन, और 10वां दिन से 17वां दिन वो महत्व का है, वो दिनों में यदि सेक्स होता है तो बच्चा होता है। और वो धातु में, उस समय जो धातु अंदर जाएगा वो धातु में कम से कम 1.5 करोड़ स्पर्म्स होना जरूरी है, नॉर्मली 60 to 120 million, मतलब 6 से 12 करोड़ पर ml। तो ये धातु के बारे में जानकारी, वीर्य के बारे में जानकारी, शुक्राणु के बारे में जानकारी। ये जो आपको अच्छी लगी तो जरूर लोगों को शेयर करो। हमारा ऐप है, वो ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और ऐसी वीडियो आपको जल्दी आते जाएंगे यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो। थैंक यू वेरी मच।